सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है, परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। आज हमारे सामने आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए, हर गल जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, हर गरीब को आवास देना ये हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भारत की विश्व में जैसे जैसे ताकत उभर रही है, हमारी सेनाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये युग हरित युग है, ये युग ग्रीन एरा है और इसलिए दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ रही है उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम भारत ने बीड़ा उठाया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी का भारत पावर हाउस बने उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए हैं और उसको अचीव करने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ई व्हीकल से जुड़ा हुआ है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरह संकल्पबद्ध है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी आज भारत 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें विश्व के सारे बेंचमार्क की बराबरी पे जाना है। आदरणीय सभापति जी, जितना निवेश भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है वो इतना पहले कभी नहीं हुआ है और जिसका लाभ आज देशवासी देख रहे हैं।
देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं, उसको विस्तार हो, उसको एक नए रूप रंग मिले, आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी संवरे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक स्टडी है कि पिछले 18 साल में, ये स्टडी बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अध्ययन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है, 18 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना है। विश्व के लोग, मैं G20 समूह में जब भी गया, भारत की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के विश्व के समृद्ध देशों को भी अचरज होता है और बड़ी जिज्ञासा के साथ हमें सवाल पूछते हैं। ये भारत की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है। माने सदस्य प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और चुनौतियां भी बढ़ रही है। जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत है, जो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं, वो गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी पर हमला कर रही है और ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं है, ये चिंता सिर्फ सरकार की नहीं है, ये चिंता सिर्फ ट्रेजरी बेंच की नहीं है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सबको इन बातों से चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो कोर्ट मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए भी कैसे कैसे संकट आने की संभावनाएं दिख रही है, इसकी तरफ इशारा करता है। आदरणीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा है और मैं कोट पढ़ता हूं, ऐसा लगता है इस महान देश की प्रगति पर, ऐसा लगता है कि इस महान देश की प्रगति पर संदेह प्रकट करने, उसे कम करने और हर संभव मोर्चे पर उसे कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट आगे कह रही है, इस तरह के